हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बारिश के मौसम की स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है भुट्टे के पकोड़े। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भुट्टे के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 भुट्टे के दाने। ये देसी भुट्टे के दाने हैं, जिसको कि मैंने चाकू की हेल्प से निकाला है। अगर आपके पास इस तरह की मशीन अवेलेबल हो तो आप इसकी हेल्प से भी भुट्टे को किसकर उसके दाने निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हमें भुट्टे की कटोरी की साइज़ से ही इसका 3 गुना बेसन लेना है। ये बेसन जो है मैंने मोटा लिया है, थोड़ा दरदरा है। यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। सूखे और खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों के अलावा आप इसके अंदर थोड़ा सा सिंपल नमक और थोड़ा सा जीरावन भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हमें इन सबको एक बड़े से बॉल के अंदर मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल लिया है, इसके अंदर अब हम सबसे पहले डालेंगे ये भुट्टे के दाने, जिसको मैंने चाकू की हेल्प से निकाला है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम बेसन, इसका 3 गुना मैंने बेसन डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये सारे सूखे और खड़े मसाले। ये देखिए, मैंने इसके अंदर आलू, प्याज और हरी मिर्च भी डाल दिए हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे से तेज़ गर्म होने देंगे और हम थोड़ा सा घोल डाल के चेक करेंगे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घोल डाल दिया है इसके अंदर। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, उसके ऊपर मैंने वाइट ब्लैंक पेपर लिया है, जिससे कि हमारे पकोड़े का सारा ऑयल जो है ये पेपर एब्जॉर्ब कर ले। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सर को ऑयल के अंदर डालेंगे। मेरी आपको ये पर्सनल एडवाइस है, जहाँ तक हो सके आप छोटी साइज़ के पकोड़े ही बनाएं, क्योंकि बड़ी साइज़ के पकोड़ों की तुलना में छोटी साइज़ के पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाकी आपकी चॉइस है। हम बहुत ही केयरफुली जहाँ जितना हो सके उतना घोल इसके अंदर डाल देंगे। हमारे पकोड़े हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, थोड़ा अलट पलट कर लेंगे, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक सके। हमें पकोड़ों में गैस का फ्लेम लो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही फ्लेम पर इसे पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, हमारे पकोड़े जो है लगभग रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे किसी पेपर के ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। आप चाहे तो मेरी तरह इस तरह छेद वाला चम्मच भी ले सकते हैं पकौड़ी को बाहर निकालने के लिए, या फिर आपके पास पूड़ी या पकौड़ी बनाने का जो जारा आता है उसकी हेल्प से भी पकौड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा ऑयल जो है कम से कम हमारी पकौड़ी के साथ बाहर आए। ये देखिए, मैंने सारे पकौड़े को बाहर निकाल लिया है। अब हम सेकेंड राउंड में भी सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे, थोड़ा थोड़ा करके घोल को ऑयल के अंदर डालेंगे। हम सारे पकोड़े को इसी तरह से रेडी करेंगे, क्योंकि छोटी साइज़ के पकोड़े ज़्यादा कुरकुरे क्रिस्पी होते हैं। लगभग 5 मिनट और लगेंगे और हमारे पकोड़े जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे भुट्टे के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इन सबको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब ये खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आप चाहें तो इसे टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े कितने ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी है। ये देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।